दबंगों ने राजमिस्त्री को 2 दिन तक बनाया बंधक, बेरहमी से की पिटाई, घर के बाहर फेंक कर हुए फरार। युवक ने पिटाई से तोड़ा दम, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, पूरा मामला इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कॉलोनी के अंतर्गत कन्हैया नगर का है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। काम के बहाने ले गए थे, मारपीट के कोई बात थी क्या, किसी बात की अब क्या पता नहीं जा रही, बताई क्या बात। हाँ तो मन मार कूट करी, मन के नहीं आए, मार कूट के नहीं तैयार गए घर के बाहर, मतलब मरे मेले कुछ बात नहीं, मन में अस्पताल ले गए, मन कह दी कि मृत्यु हो चुकी है, घर ले गए। कितने बजे की बात है, यहाँ फेंक गए थे? 7 बजे। 7 बजे शाम को आप लोग अस्पताल लेके गए, डॉक्टर ने मरीज को भी कर दिया। कन्हैया नगर मोहल्ला है, थाना क्षेत्र फ्रेंड्स कॉलोनी में, वहाँ की एक महिला हैं जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनके पति परसों काम करने के लिए निकले थे और वो कल जब वापस आए शाम को चबूतरे पर बैठे थे घर के बाहर, कुछ बात किए, उसके बाद थोड़ी देर में वो बेहोश हो गए। वो लोग उनको जिला अस्पताल ले गए जहाँ पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। फिर उनकी बॉडी को महिला अपने घर ले गई। आज सुबह उनके द्वारा सूचना दी गई है, फौती सूचना है कि जहाँ पर ये काम करते थे जिनके यहाँ, उन्होंने शायद उनके साथ मारपीट की है। इस प्रकरण की छानबीन की जा रही है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए, मृत्यु का सही कारण जानने के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद जो भी समुचित विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी।